बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। प्रेगनेंसी में कई ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं, उसके बारे में आपने एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, लेकिन एक सिम्टम जो कि आपके स्तनों में भी दिखता है, अगर उसकी जानकारी आपको नहीं है और ये गड़बड़ आपको बहुत दिन से महसूस हो रही है, तो हो सकता है कि ये टेंडरनेस, सोरनेस या सेंसिटिवनेस के लक्षण हैं। क्या ये प्रेगनेंसी के हैं या पीरियड आने के हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये कि ये लक्षण दिखने कब से शुरू होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब महिलाओं के डेट के आसपास के दिन होते हैं, तो जैसे कि डेट के कुछ दिन पहले जब आपका प्रीवियस पीरियड आया होता है, तो उस डेट के जैसे 5 दिन पहले या फिर 5 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद ये टेंडरनेस का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके स्तन हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस करते हैं, कई बार इसमें आपको अधिक दर्द भी महसूस होता है। ये होता क्यों है इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपके स्तनों में काफ़ी ज़्यादा आपको भारीपन महसूस होना या फिर दर्द महसूस होना, इसे हम कहते हैं टेंडरनेस होना स्तनों में। या फिर दूसरा जो है सेंसिटिवनेस होना, हल्का सा आपको भारीपन महसूस हो रहा है और सोरनेस जैसा फील हो रहा है निप्पल्स में, काफ़ी ज़्यादा सोरनेस हो रहा है, तीखापन महसूस हो रहा है ये कह सकते हैं। और आपको अगर आप छूती हैं, स्तनों को टच करती हैं, तो फिर आपको ये हल्का सा दर्द भी महसूस होता है निप्पल में और स्तनों में। ये प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी से या डेट मिस होने से पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसे कई महिलाएं पहचान भी नहीं पाती है। कई बार ऐसा होता है कि पीरियड आने से पहले भी महिलाओं को टेंडरनेस फील होता है, जैसे ही पीरियड आने में 2 दिन या 4 दिन बाकी होता है तो स्तनों में भारीपन महसूस होने लगता है, हल्का सा क्रैम्पिंग होने लगता है, तो पीरियड के कुछ दिन पहले भी ये स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में स्टार्ट तो होता है, लेकिन धीरे धीरे ये 1 महीना 2 महीना या 3 महीना बहुत ज़्यादा ये क्रैम्पिंग महसूस होगा, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्तनों की बदलाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगा, जैसे साइज़ में इंक्रीमेंट होना, साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, निपल्स के कलर में चेंज होगा, निपल्स का कलर बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्तनों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मार्क दिखने शुरू हो जाएंगे क्योंकि खुजली भी शुरू हो जाती है जैसे जैसे स्किन खिंचता है। तो ये सारे जो प्रेगनेंसी में है स्तनों में काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है और होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन महिलाओं के स्तनों में चेंज नहीं होता है उनकी प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है। तो ये हार्मोन्स का ही इफेक्ट होता है, प्रेगनेंसी में बहुत सारे नए हार्मोन्स जो हैं उनकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, उनका लेवल बढ़ने लगता है। इसके कारण, इस वजह से आपको ये टेंडरनेस, ये सोरनेस, ये सेंसिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद। ज़रूरतमंदों के साथ शेयर ज़रूर करें।